हाय दोस्तों, आप देख रहे हो इंजन स्टार्ट। गाइस, आज मैं आप सबको एक नया मॉडल का बाइक रिव्यू करके दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, हुंडा SP125 जो कि BS6 मॉडल का बाइक है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस बाइक के अंदर क्या क्या दिखने को मिलता है। हुंडा कंपनी ने SP125 को काफी स्टाइलिश बना के मार्केट पे लॉन्च किया है। ग्रीन, ब्लू, ग्रे, रेड, ये 4 कलर इस बाइक पे आप देख पाओगे। लेकिन इन चारों में से ग्रीन कलर इस बाइक को एक अलग ही लुकिंग प्रोवाइड करता है। दूर से देख के लगेगा कि यह हुंडा साइन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी हेडलाइट की डिजाइन को देखो, भाइजर के साथ इसका हेडलाइट का डिजाइन एकदम मैचिंग करता है, एक अलग ही लुकिंग प्रोवाइड करता है। हेडलाइट पे DC LED हेडलाइट दिया गया है। अब इसकी फ्रंट सस्पेंशन को देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है। इसकी फ्रंट एंड रियर दोनों टायर ही ट्यूबलेस है। फ्रंट टायर की साइज है 80/118 mm 47 P का ट्यूबलेस टायर। फ्रंट ब्रेकिंग पे आप ऑप्शनल ब्रेकिंग देख पाओगे। इसकी डिस्क ब्रेक या ड्रम ब्रेक जो भी हो, इसकी साइज है 130 mm। वैसे डिस्क ब्रेक अगर लेना चाहते हो तो कीमत थोड़ा सा ज़्यादा है। इसकी मीटर कैपेसिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। स्पीड मीटर, इसकी फ्यूल, टाइम कितना हुआ है, कौन सी गियर पे चल रहा है, किलोमीटर कितना हुआ है, वो सब यहाँ पे डिजिटल देख पाओगे। उसके साथ इको मोड भी है। कोई भी बाइक को स्टाइलिश करने के लिए उसकी फ्यूल टैंक की डिज़ाइन को काफ़ी स्टाइलिश बनाना पड़ता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही आप देख पाओगे, इसकी फ्यूल टैंक की डिज़ाइन काफ़ी स्टाइलिश है। इसकी कार्ब वेट है 117 kg। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm। इसकी व्हील बेस है 1285 mm। काफ़ी स्मूथनेस हैंडल कैपेसिटी है इस बाइक पे। दाएं ओर यहाँ पे इंजन किलिंग के साथ सेल्फ का स्विच यहाँ पे दिया गया है। बाएं ओर हॉर्न इंडिकेटर एंड पास का बटन आपको मिल जाएगा। 12 वोल्ट 5.0 AH की बैटरी कैपेसिटी इस बाइक पे दिया गया है। इसकी फ्यूल टैंक के साथ इसकी सीट की डिज़ाइन एकदम मैचिंग करता है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब बात करते हैं इसके इंजन की। यहाँ पे सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल 124 cc का इंजन देख पाओगे। इसकी मैक्स पावर है 7500 rpm पे ये 10.7 bhp का पावर जनरेट करती है एंड 6000 rpm पे ये 10.9 Nm की टॉर्क पैदा करती है। किक एंड सेल्फ अवेलेबल है। 4 वाल्व का इंजन है। अगर इसकी रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो यहाँ पे हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन दिया गया है। 18 इंच की व्हील साइज के साथ रियर टायर की साइज है 80/118 mm 54 P ट्यूबलेस टायर। इसकी बैकलाइट को देखो, एक नया लुकिंग की स्टाइलिश बैकलाइट की डिजाइन देख पाओगे। यहाँ पे LED लाइट यूज किया गया है। इसकी एग्जॉस्ट की बात की जाए तो थोड़ा सा छोटा ही एग्जॉस्ट आप देख पाओगे। 125 cc का बाइक है तो उसके हिसाब से इसका एग्जॉस्ट का साइज ठीक है। इसकी रियर ब्रेकिंग पे भी आप ऑप्शनल ब्रेकिंग देख पाओगे। इसकी DCR ड्रम जो भी हो उसकी साइज है 130 mm। फ्यूल डिलीवरी सिस्टम है PGM FI। यहाँ पे किक देख रहे हो, यानी कि किक पे भी आप इस बाइक को स्टार्ट कर सकते हो। 11 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के साथ कंपनी बताता है कि आपको 65 किलोमीटर तक 1 लीटर पे माइलेज मिल जाएगा। कंपनी ने 5 गियर दिया है। मेरे ख्याल से इस बाइक की पीछे की टायर की साइज को थोड़ा सा अगर मोटा कर दिया होता तो और भी अच्छा होता। इसका आउटलुकिंग थोड़ा सा साइन SP की तरह है। ऑन रोड पे इसकी कीमत पड़ जाएगी करीबन 89,000 rupees के आसपास पे। सो गाइस, इस बाइक की सारी जानकारी आप सबको मैंने दे दिया। अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अगर इस बाइक के बारे में कोई भी सवाल आपके मन में है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।